अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना बेबी बैकपैक के हॉस्टल में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप गर्ल्स को मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि हमें हॉस्टल बैग में क्या क्या डालना चाहिए और हमें किस किस चीज़ की नीड हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो लंबी करने से पहले। और ये प्यारे से गजरे जो कि मेरी मियाँ जी ने मुझे ला के दिए, इसकी छोटी सी क्लिप मैंने बनाया, मैं आपके साथ लास्ट में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और आपको दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें सबसे पहले लेना क्या है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इस तरह का एक बैग। आपने इस तरह का एक बैग परचेज कर लेना है। मैंने ये वाला किया है, इसमें 3 जिप्स है, ठीक है। आपने ये वाला बैग ले लेना है। मैंने ये वाला बैग लिया हुआ है हॉस्टल के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बैग चाहिए। उसके बाद आपको जो है ना, आपको सामान चाहिए होगा। सबसे पहले आप लोग क्या लेंगे, सबसे पहले आपको बड़ा बड़ा सामान दिखाती हूँ। तो बड़े बड़े सामान के साथ आपको क्या चाहिए होगा, आप अपने बेबी का जो है ना बैग के बाद आपको ये रखना होगा बिस्तर, ठीक है। बिस्तर चाहिए। बिस्तर के बाद आप झूला लेंगे, जिसमें आप बच्चे को लेटाएंगे, इसमें बच्चा कंफर्टेबल रहेगा, सो जाएगा। झूला लेंगे। झूले के लिए जो आपको शीट वगैरह चाहिए होगी ना बिछाने के लिए झूले के अंदर, वो ये रही शीट, ठीक है। ये शीट लेंगे आप। ये शीट है, मैंने 2 परचेज करी है। आपके साथ से अगर आपको जितनी चाहिए आप ले लें, मैंने 2 लिए बेग, ठीक है। आप पैम्पर्स वगैरह चेंज करवाने के लिए, बेबी के लिए 2 चीज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है, हम रखेंगे बेबी के सूट। बेबी के सूट रखने हैं हमें, जैसे मैंने ये रखा हुआ है, एक हमें 4-5 सूट रखने हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 2 दिन रुकेंगे, 1 दिन 2 दिन रुकेंगे, तो आपको किसी सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 3-4 सूट रख सकते हैं। और अगर ऑपरेशन वगैरह है तो फिर तो आपको 5-6 सूट रखने पड़ेंगे। लेकिन ये कि इमरजेंसी के तौर पर आप अपने बेबी के जो है 5-6 सूट रखने, मैंने ये वाला रखा। और आपको फुल स्लीव रखने, शुरू स्टार्ट के दिन में आपको फुल स्लीव ही बेबी को पहनाना है, पहले गर्मी में सर्दी, ठीक है। ये देखना, मैंने एक ये वाला सूट लिया, ये वाला सूट है, ये फुल स्लीव है, ठीक है, ये फुल स्लीव सूट है। और एक ये हो गया सेकेंड, मैंने ये वाला रखा है, ये है। और साथ में ये सब सजा, ठीक है। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, देखिए तीसरा ये वाला सूट है। मतलब मैंने हर कलर के फुल स्लीव सूट रखे। और अगर आपको सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, आपको बटन वाले सूट लेने हैं, देखिए बटन आपको ऊपर से पहनाने वाले नहीं लेने हैं, क्योंकि ऊपर से पहनाने बच्चे का जो सर होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ऊपर से पहनाने वाले नहीं लेंगे आप। शुरू में स्टार्टिंग में डाला बटन वाले लेंगे, ताकि आप आसानी से उन्हें पहना के बटन को बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद आप इसी तरीके से ये 4 सूट है, ये देखें ये 4 सूट है, ये रखा है मैंने, ठीक है। इन सूट के साथ कैप, ये देखिए कैप और पजामा एक साथ आता है, ठीक है। पूरा कम्प्लीट होता है, कैप भी होती है। आपको इस तरीके से 1, 2, 3 and 4, ठीक है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा सूट रखे हैं, 4 सूट रखे हैं, फुल फिलिंग जो है मैंने कि 4 सूट दिए रखे हैं। उसके बाद अच्छा सूट हो गए, उसके बाद आपने फर्स्ट डे के लिए जो आपको डॉक्टर को देना है, मैंने ये देखें ये एक ये वाला सूट लिया है, जिसमें जो कंप्लीट है, ये अलाइनमेंट का सेट है, आईफोन अलाइनमेंट का पिकने का सेट है। इसके साथ आपको मिलेगी चादर, ये देखिए बच्चे की, इसमें बेबी को फोल्ड करना है आपको, ठीक है। ये इस तरह एक चादर है बेपेस की, ये बेप मिलेगी। इसके साथ आपको ये कंप्लीट सेट लेने हैं 2-3 स्टार्ट के लिए। सर ये कैप है और ये इसकी शर्ट है। इस तरीके से आपको जो कंप्लीट सेट मिलेगा, इसमें ये सब कुछ हो, आपको ये वाला सेट लेना है स्टार्टर बनाने के लिए। ये पजामा है ये वाला, ठीक है। और ये है रॉम्पर जो अंदर से पहनाएंगे पैम्पर करने के बाद, सबसे पहले आपको यही पहनाना होगा, सही है। उसके बाद सब चीज़ें, और मैंने लिए बेबी के लिए कैप, तो माशाल्लाह लिखा हुआ। मैंने सोचा ये फर्स्ट डे को मैं पहनाऊंगी, ताकि बेबी पहनता लगे, क्योंकि बेबी माशाल्लाह बहुत क्यूट होता है ना, जब बच्चा होता है तो उसको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपको माशाल्लाह वाला कैप तो मैं बिल्कुल ले लें, ताकि जो भी देखे वो माशाल्लाह बोले, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए ये वाली बिप। आप बिप का ये वाला सेट रख सकते हैं हॉस्टल बैग में, ठीक है। क्योंकि बेबी जो है ना, जब शुरू शुरू में जब दूध वगैरह पीते तो डकार लेता है, तो उल्टी कर देता है दूध पीते साथ ही, तो शुरू शुरू में हजम नहीं होता। तो आपको बिप रखनी है, और इसी तरीके से टॉवल रखना है छोटे वाले, ताकि कभी भी बेबी उल्टी वगैरह करे तो आपको साफ कर लें। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक्स्ट्रा सूट रख लें आप, ये देखिए मैंने ये हाफ स्लीव वाले सूट है एक्स्ट्रा है, ठीक है। उन 4 सूटों के अलावा मैंने ये एक्स्ट्रा सूट रखे, आप लोग भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद बेबी को फोल्ड करने के लिए आपको चादर रखनी है,
क्योंकि जो हम थ्रेड पर चादर लेते हैं वो छोटी आती है, आपको एक्स्ट्रा जो है ना बड़ी अलग से चादर लेनी है। मैंने ये दो चादर रखी है ठीक है, बेबी को रैप करने के लिए ताकि बेबी को सर्दी ना लगे ठीक है। ये हो गया, उसके बाद हमें वाइप्स रखने हैं। ये देखिए मैंने बोना पापा के वाइप्स नहीं है, आपको भी ये वाइप्स रखने हैं कि बेबी अगर उल्टी वगैरह करता है फेस वॉश करने के लिए। और पैम्पर्स वगैरह में जब स्टार्ट में आपको पानी से मतलब बेबी को वॉश नहीं करना होता तो आपको वाइप से वॉश करना होता है, वाइप से ही बेबी को साफ करना होता है। तो आपको वाइप जरूर रखनी है, बहुत जरूरी है वाइप से, एक पूरा पैकेट आप वाइप का रखें ठीक है। उसके बाद ये वाले से टूट है, मैंने ये वाले भी रखे हैं, मैं तो एक्स्ट्रा रख रही हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप लोग कम ही सूट रखें। अगर नॉर्मल डिलीवरी तो आप चार पाँच सूट रख लें, और ऑपरेशन में तो आप उसके साथ ज़्यादा सूट रख सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन में आपको तीन से चार दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है और बेबी कितनी दफ़ा बेबी को चेंज करना पड़ता है वो। अच्छा बेबी के लिए आपको ये वाला एक मदर केयर का जॉनसन का कोई भी मिलेगा, मैं तो कहूँगी आप ये वाला पैकेट जो है ना मदर केयर में आता है, आपको ये वाला पैकेट रखना है। इसमें ये डॉक्टर्स को देना होता है, इसमें सोप है, इसमें क्या कहते हैं बेबी लोशन है, बेबी और बेबी शैम्पू है और बेबी पाउडर है। आपको ये हॉस्पिटल के लेके जाना है, बड़ा सा मत लेके जाए, जरूरत नहीं पड़ती, छोटा वाला आपका आराम से, छोटा वाला ही आपका 15-20 दिन निकाल देता है आराम से। तो आपको ये हॉस्पिटल लेके जाना है, हॉस्पिटल देना है, डॉक्टर नर्स को देना है, आपको बेबी के वॉश वगैरह करवा के नहला के बात वगैरह देके उसको आपको दे देंगी। पर अगर ये सेट अगर वो रख भी लेते तो आपको इतना दुख नहीं होगा क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं नर्स वगैरह वो ये नहीं देती है ठीक है। तो आपको ये रख लेना, याद से रख लेना अपने बेबी के लिए ठीक है। और पीरियड ठीक है, और पीरियड सर आपको इसका कवर रखना जरूर भूलना नहीं है, क्योंकि दूध पीता है बच्चा, वाइट दूध होता है तो उसको सबसे ज़्यादा जल्दी इधर लगती है आपको, इसलिए फीडर के साथ आपको कवर भी जरूर रखना है। देख सकते हैं मैंने छोटा सा फीडर और ये कवर इसका साथ दिया है, ये दोनों चीज़ें आपको रखनी है ठीक है। और उसके बाद आपको ये सॉक्स वगैरह कर्डल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग बेबी के हाथों पर पहनाए, पैरों पर पहनाए, क्योंकि बेबी को शुरू में ठंड लगती है। तो आपको ये वाला एक सेट ज़रूर रखना है ठीक है। इसके अलावा मैंने अलग से ये वाले सॉक्स भी लिए हैं, अगर आप ये वाले रखना चाहें तो ये वाले भी सॉक्स रख सकते हैं ठीक है। इसके बाद ये शूज़ वगैरह है, तो शुरू में शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप रखना चाहें रख सकते हैं। कि नाइट रखनी है आप, क्योंकि आप चूल्हे वगैरह बेबी को लिटाएंगे, रात में रुकेंगे, जैसे बहुत नॉर्मल ऑपरेशन में एक रात तो वहाँ रुकना पड़ता ही पड़ता है, तो आपको ये नाइट रखनी है ताकि आप चूल्हे को कवर कर सकें और बेबी को मच्छर ना काटें ठीक है। और उसके बाद ये बेबी का पाउडर पफ वगैरह का बॉक्स चाहिए, इसमें आप बेबी को पाउडर डाल के बेबी को पाउडर वगैरह लगाएं, खुशबू करते हैं बेबी को, तो ये अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना अगर नहीं रखना चाहें तो मत रखें, घर आके यूज़ करें आराम से ठीक है। वैसे लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद एक ये वाला भी सूट लिया है मैंने, नाइट ड्रेस के तौर पर लिया है, अगर रात में पहनाना चाहें तो आप उसको पहना सकते हैं बेबी को। उसके बाद अच्छा उसके बाद हमें रखने बेबी के पैम्पर्स, आपने पैम्पर्स को नहीं भूलना है। ये है बेबी के पैम्पर्स, मैंने लिया है बोना पापा का कंप्लीट पैकेट ले लिया है। आप इसमें से 8-10 निकाल के पैम्पर अपने बैग में करके रखते हैं ठीक है, आपने पूरा पैकेट नहीं लेके जाना, जरूरत नहीं पड़ती, आप इसमें से 8-10 निकालें अपने बैग में रखें बहुत ठीक है। उसके बाद ये है सेट ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है, वैसे तो शुरू में ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की, लेकिन अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं रखना चाहते तो मत रखें। उसके बाद कहूँगी नहीं रखें, मैं भी नहीं रखती, इतने दिखाया ही अगर, लेकिन आप इसे ले लीजिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है स्टार्टिंग में ठीक है। और इसके बाद है आपको अपनी, अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं, लड़कियों को क्या क्या रखना है अपने लिए, लड़कियों को अपने लिए रखने हैं कपड़े 3-4 सूट रख लें ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो चीज़ें होती हैं लड़कियां वो रख लें। उसके बाद आपको एक परफ्यूम रखना है ठीक है, ताकि क्योंकि वहाँ पे आपके रूम में कुछ भी कोई मिलने आए तो आपकी ड्रिप वगैरह लगी हुई होती है ना वहाँ पे, तो स्मेल हो रही होती है, आप रूम स्प्रे रख लें और परफ्यूम रख लें ठीक है। आपको वो सब रखना है, अपनी फाइल फर्स्ट जो आपको अपनी फाइल जो है ना भूलनी नहीं है, एमरजेंसी तो नॉर्मल में तो एमरजेंसी पड़ सकती है ठीक है, लेकिन ऑपरेशन में तो आपको पता होता है आपकी डेट है, आपको जाना है, आपको जमाना है वहाँ, लेकिन आपको अगर नॉर्मल में अचानक जाना पड़े तो आपको अपनी फाइल एक रेडी रखनी है, आपको अपनी फाइल लेके जानी है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स वगैरह जितने भी आपके 9 मंथ में जो भी चेकअप वगैरह हुआ ना वो सब आपकी फाइल में रहना चाहिए, आपको ये ज़रूर लेके जाना है ठीक है। उसके बाद और क्या लेके जाना है, अच्छा और गर्ल्स को क्या करना है, अपने हेयर स्ट्रेटनर वगैरह रख लें, क्योंकि आपके बाल वगैरह ख़राब हो सकते हैं आपको, और वहाँ तो आप शैम्पू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है अपना फेस वॉश वगैरह रखने, अपना फॉर्म रख लें ताकि पंगा वगैरह करना हो, अपना फेस पाउडर मेकअप वगैरह जो आपको रखना है ये सब रख लें, लिपस्टिक वगैरह रख लें, ताकि कोई मेहमान आपको मिलने आ रहा है, बेबी को देखने आ रहा है, आपको देखने आ रहा है, तो आपको थोड़ा फेस सही लगे, कि हम लड़कियाँ बेचारी इतने सारे दुख झेलने के बाद भी एक स्माइल से सब कुछ सही होती है, अगर आप थोड़ी लिपस्टिक वगैरह लगाई तो आपके फेस पर जो है ना निखार आ जाता है थोड़ा सा, तो आपको ये सब चीज़ें रखनी है ठीक है। और अल्लाह ताला सब लड़कियों को हिम्मत हौसला दे, और
आई होप आप लोगों को मेरी अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ और आगे भी इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।